राजधानी शिमला में गजल और मुशायरा के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। शिमला के गेटरी थिएटर में दो दिवसीय स्वर धरोहर फेस्टिवल रविवार से शुरू होने जा रहा है। ये फेस्टिवल सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से स्वर धरोहर फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से शास्त्रीय संगीत, नमी शायर और गजल गायक हिस्सा ले रहे हैं। शाम को रविवार को 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। वहीं सोमवार को शायरों की महफिल सजेगी, जिसमें भारत के प्रख्यात 15 कवियों एवं शायरों द्वारा कविता प्रस्तुति देंगे। कैसे करेंगे दरअसल ये स्वर धरोहर फेस्टिवल है। बेसिकली स्वर धरोहर फाउंडेशन दिल्ली से मैं आया हूँ और स्वर धरोहर फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। तो सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से हम 5 राज्यों में संगीत और साहित्य का महोत्सव करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अभी हाल ही में चंडीगढ़ में हमने प्रोग्राम किया 2 दिन का साहित्य और संगीत महोत्सव। इसके बाद अभी शिमला है और शिमला के बाद जयपुर और जयपुर के बाद दिल्ली इंडिया गेट और फिर लखनऊ में ये प्रोग्राम आयोजित होने वाला है। आज के प्रोग्राम की रूपरेखा ये है कि आज यानी कल जो संगीत के कलाकार आने वाले हैं, इस कलाकारों में गुलाम हसन साहब जो कि शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े कलाकार हैं वो इसमें परफॉर्मेंस देंगे। शिवानी सिंह हैं, सुहेल खान साबरी हैं। इसके अलावा उसके अगले दिन यानी हम सोमवार की बात करें तो वहाँ साहित्य महोत्सव है, जिसमें अभिषेक, इसके अंदर प्रताप सोमवंशी जी, शाहिद अंजुम साहब जैसे बड़े शायर इसमें आने वाले हैं। और इस कार्यक्रम के पीछे हमारा जो ध्येय है वो सिर्फ इतना भर है कि हम शिमला हिमाचल की आवाम को अच्छा संगीत, अपना अच्छा साहित्य सुना सकें, जिससे कि हम आइंदा भी यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करें और यहाँ की आवाम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले सकें। दरअसल बहुत सारे प्रचार संबंधी सामग्रियों से हमने उनको इत्तला दी है कि हम शिमला में ये कर रहे हैं प्रोग्राम। हिमाचल एक खूबसूरत जगह है, आपको पता ही है, पूरी दुनिया के लोग हिमाचल, शिमला, ऊटी, काफ़ी जगहों पे घूमने जाते हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरत जगहों में जगह कहलाती है। मौसम बड़ा खूबसूरत और बड़ा सुहाना है, तो बड़ा अच्छा रहता है कि जब हम अपने संस्कृति को आवाम के बीच में लेकर आएँ और उस आवाम में जो देश और विदेश के पर्यटक हैं वो भी इसका आनंद ले सकें। तो हमें पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि हमारा यह साहित्य और संगीत महोत्सव स्वर धरोहर फेस्टिवल लोगों के दिलों में राज करेगा।